हेलो मैकेनिक दोस्तों और भाइयों, ये देखिए आज मेरे पास है पल्सर 150 जो BS4 वाला वर्जन है। ये गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी देखने में देख रहा हूँ आप लोगों को, जो किक जो है ना ये फ्री हो गया, एकदम नीचे चला जा रहा है। तो इसका क्या करना है, हेड का जो बेल्ब होता है चेंज करना है। अभी हेड को खोलेंगे हम, तो आप लोग देखते रहिए। तो चलिए हम टैंकी को खोल लेता हूँ, सब टैंकी साइड कवर खोल लेता हूँ। तो चलिए हम टैंकी को ओपन कर लिया हूँ। टैंकी का जो ये यहाँ पे 12 नंबर का बोल्ट होता है, और कुछ टैंकी में बोल्ट होता नहीं। तो चलिए इसका भी बोल्ट ओपन कर लिया हूँ। 10 नंबर का 4 बोल्ट होता है दोनों में, तो ओपन कर लिया हमने। अभी धीरे धीरे देखिए ओपन कर लिया। तो यहाँ पे लॉकिंग होता है, इंजन को लॉक करता है वो, ये 12 नंबर का बोल्ट होता है, तो ये भी ओपन कर लिया। तो चलिए ये सब सारे ओपन कर लेता हूँ, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए 8 नंबर का जो बोल्ट होता है सारा 8 नंबर बोल्ट ओपन कर लिया। देखिए 1 2 3 4 5 छः, ये सारे 8 नंबर का बोल्ट होता है, इसको ओपन करने के लिए। और अभी जो 14 नंबर का बोल्ट होता है 4, इसको ओपन करना है। ये 14 नंबर का बोल्ट को ओपन करके ये इसको ऊपर उठाना है। चलिए ओपन कर लेता हूँ। एक ओपन हो गया, अभी देखिए दूसरा। इसको खोलने के लिए पूरा खोलना पड़ेगा, नहीं तो ये उठेगा नहीं। दो ओपन हो गया, अभी देखिए जो प्लग का केस है ना, इसको भी ओपन कर लेना। सिंगल हैंडेड हो, थोड़ा सा ट्रफ होता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोनों को ओपन कर लेता हूँ, इसको उठाता हूँ। तो चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये होता है हेड का जो रोक आर्म लगता है इसमें, हेड का कवर। इसको साइड में रखता हूँ, इसको रख दिया साइड में। अभी देखिए कैमशाफ्ट है, टाइमिंग चेन वगैरह कोई ख़राबी नहीं है। चलिए इसको खोल लेता हूँ, इसको लूज करके। तो चलिए कार्बोरेटर का दोनों बोल्ट को ओपन कर दिया, यहाँ पे ये इसको भी खोल लिया। तो अभी टाइमिंग चेन निकालूंगा, जो कैमशाफ्ट होता है इसको निकालूंगी, क्योंकि हेड को जो ओपन करना है मुझे। सिंगल हैंडेड हूँ, थोड़ा सा टफ है। सिंगल हैंडेड हूँ, थोड़ा सा टफ हो गया कैमरा पकड़ने में। तो देखिए ये कैमशाफ्ट है दोस्तों, इसको बोलता है कैमशाफ्ट। तो कैमशाफ्ट चेक कर लेता हूँ, वो कुछ खराब ही नहीं है, ये ठीक ही है, कैमशाफ्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखिए अभी हेड को उठाऊंगी, इसे उठाना है। Thank you.
तो फाइनली हम खोल लिया हेड को। अभी देखिए जो पिस्टन है, ये टाइमिंग चेन है, पिस्टन का हालत देखिए। पिस्टन को अच्छी तरह से क्लीन करना है क्योंकि ये ख़राब नहीं हुआ, तो इसको क्लीन करने से ही चलेगा। ये दिक्कत कहाँ हुई है, इसमें दिक्कत हुई है। देखिए यह का जो बड़ा वाला बेल होता है, ये जो है ये ज़्यादा किस किया है, अंदर में घुस गया। देखिए खा के ये पतला हो गया, तो इसको और इसको चेंज करना है मुझे। तो इसको हम खोल लेता हूँ, सफाई करके फिर आपको दिखाता हूँ फिटिंग के दौरान। तो थैंक यू वेरी मच। अब ये पार्ट टू में दिखाएंगे कैसे फिटिंग करना है। तो आप लोगों को अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।